अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बीफ शवारमा बनाएंगे। इसके लिए 250 ग्राम मैंने बीफ लिया है। इसको मैंने 10-15 मिनट के लिए मीट टेंडर लगा के रख दिया था। हाफ टी स्पून मैंने इसको मीट टेंडर लगाया था। 2 टेबल स्पून मैंने दही लिया है। हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर लिया है। हाफ टी स्पून जिंजर पाउडर लिया है। हाफ टी स्पून मैंने कार्डमन इलायची का पाउडर लिया है। 1 टीस्पून मैंने पेपरिका पाउडर लिया है, सॉल्ट टेस्ट के मुताबिक। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून मैंने ज़ीरा लिया है और हाफ टी स्पून मैंने कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर लिया है। हाफ मैंने ऑनियन स्लाइस में लिए थे। ये सब इसकी मैरिनेशन में जाएगा। 2 टेबल स्पून हम इसमें दही डालेंगे, फिर ऑनियन जो स्लाइस किए हैं वो डालेंगे, फिर अपने सारे स्पाइसेस डालेंगे, पेपरिका पाउडर, इलायची पाउडर, अदरक पाउडर, गार्लिक पाउडर, ब्लैक पेपर, ज़ीरा, धनिया पाउडर। गोश्त को मैंने हाफ टी स्पून मीट टेंडर लगा के रखा था, आप भी लगाना क्योंकि बीफ है ये इजीली जो है गलता नहीं है। 1 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस लिए और हाफ लेमन लिए। ये जब गोश्त पक जाएगा बाद में हम डालेंगे। इसको मैरिनेट करके 30 मिनट के लिए रख दें। आइए अब अपनी रेड सॉस तैयार करें। 3 टेबल स्पून मैंने चिली गार्लिक केचप ली है। 1 टेबल स्पून मैंने टोबेस्को सॉस लिए। अगर आपके पास टोबेस्को सॉस ना हो तो आप हॉट सॉस ले लें 1 टेबल स्पून। हाफ टेबल स्पून मैंने पेरी पेरी सॉस लिए। और ये वाइट सॉस, ये सेम वही वाइट सॉस है जो मैंने चिकन शवारमा में यूज की थी। आप मेरी रेसिपी में देख लें। अब मैंने एक पैन लिया है, उसमें 2 से 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिए। अब मैरिनेट किया हुआ हम बीफ अपना डाल देंगे और इसको लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट तक हम इसे कुक करेंगे। ये देखें हमारा गोश्त अच्छे से पक गया है। अब इसमें 2 से 3 टेबलस्पून में ऑलिव ऑयल डालूंगी और जो प्याज मैंने स्लाइस किया हुआ डाला था वो मैंने इसको इसमें से निकाल लिया है। कुछ रहने दिया है, कुछ मैंने निकाल लिया है। अब एक पैन में हम अपनी पीटा ब्रेड को फ्राई करेंगे थोड़ा सा। ब्रेड को दोनों साइड से हम हल्का सा फ्राई करेंगे। ये सैलेड के लिए मैंने खीरा लिया था, टमाटर लिया था, शिमला मिर्च ली थी, प्याज लिया था और राइस पर, इन सबको मैंने बारीक बारीक काट के रख लिया था। अब हम अपने शॉर्मे की असेंबलिंग करेंगे। सबसे पहले हॉट सॉस लगाएंगे। फिर हम व्हाइट सॉस लगाएंगे। व्हाइट सॉस की रेसिपी आप शवारमा की रेसिपी में, चिकन शवारमा की रेसिपी में चेक कर लेना, सेम वही सॉस है। अब सैलेड डालेंगे। अब अपना बीफ जो रेडी किया था वो रखेंगे। व्हाइट सॉस डालेंगे। अब इसको हम
रैप कर देंगे। हमारा बीफ शॉर्मा लेबनीज स्टाइल का रेडी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करने ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।